जय जिनेंद्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन आप सभी के बीच फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण भी है बट आपने बहुत बार सुना भी होगा, सेव वाटर, पानी की बचत करें। आप सोच रहे होंगे आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में है और आप पानी की बचत की बात कर रही हैं, पर कोरोना और पानी की बचत दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक चुना है। हम कोरोना से जैसी महामारी से अगर बाहर निकल जाएं, तो मरो ना, पानी की किल्लत से हम मरो ना जैसी समस्या में ना आ जाए, इसके लिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है। हम सभी जानते हैं पानी का कोई मोल नहीं, पर ये बहुत अनमोल है। इस धरती पर हम सभी जानते हैं धरती पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए पानी कितना जरूरी है। पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन और पानी दोनों मौजूद है, पर इस जीवन चक्र को चलाए रखने में पानी कितना जरूरी है ये भी हम सभी जानते हैं, इसलिए इसकी बचत करना, इसे सेव करना हमारे लिए कितना जरूरी है और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। बहुत से देश, गांव, राज्य ऐसे हैं जहां पानी की इतनी किल्लत है, बहुत से लोग चार चार पांच पांच किलोमीटर दूर जाकर पानी ले लेके आते हैं, उनका पूरा जीवन पानी लाने में ही गुजर जाता है। ये पानी की समस्या क्या होती है जो इस किल्लत से गुजर रहे हैं वही बता सकते हैं। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें बार बार यह समझाया जा रहा है कि हम हर वक्त हाथ धोते रहें, 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोते रहें बार बार। इंडिया में 125 करोड़ पब्लिक है। आप सोचिए अगर दिन में एक आदमी 20 बार या 25 बार अपने हाथ को धोए 20 सेकंड तक, तो एक दिन में सिर्फ हाथ धोने में कितने गैलन पानी का उपयोग होगा। पर हमें कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ना है, हाथ को स्वच्छ भी रखना है, पर पानी वेस्टेज नहीं करना है, पानी भी बचाना है। हम छोटे छोटे कार्य करके पानी को जितना हो सके बचा सकते हैं और ऐसा हमें करना ही है, नहीं तो हम कोरोना के बाद मरोना वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए जब भी हमें हाथ धोना पड़े तो हाथ को इस प्रकार से धोएं, जब आप नल को फुल फोर्स में ना चलाएं और 20 सेकंड तक पानी को चलता हुआ ना रखें, आप बिल्कुल स्लो फोर्स में टैप को चलाएं, हाथ को गीले करें, टैप बंद कर दें और जिस चीज से आप अपना हाथ धोना चाहते हैं, लिक्विड सोप या सोप जिस चीज से भी, उसे लेकर 20 सेकंड तक अपने हाथ को रब कीजिए, उसके बाद बिल्कुल कम फोर्स में वापस टेप चलाएं और अच्छे से हाथ को क्लीन करें। आप देखेंगे आपके हाथ वैसे ही क्लीन होते हैं जितने फोर्स में आप पानी चलाकर अपने हाथ को क्लीन करते हैं। अगर हर कोई ऐसा करे
तो एक दिन में सिर्फ हाथ धोने में हम कितने पानी की बचत कर सकते हैं। इसी तरह हमें पानी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। कहीं पे भी पानी गिर रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और घड़े से ही सागर महासागर बन जाते हैं। अभी हम सभी लॉकडाउन में हैं, घर पे हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि टाइम पास करने के लिए बाथरूम में एक एक घंटा टाइम पास कर लेते हैं, सावर चला के, म्यूजिक चला के आनंद लेते रहते हैं नहाने का। प्लीज 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 हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ऐसा मत कीजिएगा, वरना हम कोरोना से लड़ लेंगे, फिर हम मरोना वाली समस्या में पहुंच जाएंगे। पानी की किल्लत के लिए हमें किल्लत हो जाएगी। जितना पानी चाहिए उतना बकेट में भरकर आप नहाइए, स्वच्छ रहिए, पर कहीं भी पानी को वेस्ट मत कीजिए। जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो जब तक आप ब्रश कर रहे हैं नल को बंद रखें, नल चालू करके आप ब्रश करते मत रहिए, और पानी का टेप बिल्कुल स्लो फोर्स में चलाएं। इससे पानी, आप अपना काम उतना ही करेंगे, पानी फोर्स में चलाने के पानी वेस्टेज ही होता है। इस तरह से छोटे 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 उपाय से आप पानी बचत कर सकते हैं। अभी गर्मियां स्टार्ट हो रही है और हर गर्मी में पानी की समस्या इतना विकराल रूप ले लेती है हमारे देश में, हम सभी जानते हैं। अभी हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, फिर हमारे सामने मरोना वाली समस्या ना आ जाए, पानी की किल्लत ना आ जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। सरकार के साथ हमें भी कदम से कदम मिलाकर चलना है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। प्लीज सेव वाटर, पानी ही जीवन है, इसके महत्व को समझें। कोरोना के साथ साथ हम और कोई किल्लत से अब हम लोग जीना नहीं चाहते, तो प्लीज सेव वाटर, प्लीज 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 सेव वाटर। धन्यवाद। अगर आपको लगता है ये वीडियो इम्पोर्टेंट है तो आप इसे जरूर शेयर करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।